जय हिंद दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए एक बहुत ही बजट स्मार्टफोन और काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है जिसका नाम है इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले। तो दोस्तों आज की वीडियो में इसी की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। ये रहा उसका बॉक्स और साथ ही साथ आपको अनबॉक्सिंग के साथ हम स्लाइटली छोटा सा रिव्यू भी देंगे और इसका जो फुल रिव्यू है वो एक हफ्ते बाद आएगा क्योंकि मैं इसको टेस्ट करूंगा, इसके बाद में आपको फाइनल रिव्यू दूंगा कि आखिरकार ये फ़ोन कैसा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाइए। तो फाइनली दोस्तों ये रहा इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले का बॉक्स। दोस्तों इसको मैंने ओपन नहीं किया है, मैं वेट कर रहा था कि मैं इसको आप सभी के लिए ओपन करके दिखाऊं। सिर्फ और सिर्फ दोस्तों मैंने यहाँ पे इसके ऊपर का जो बॉक्स है इसे मैंने ओपन किया है क्योंकि दोस्तों सिक्योरिटी के लिए मुझे चेक करना था कि क्या इसके अंदर फ़ोन है भी कि नहीं है, क्योंकि दोस्तों कई बार कुछ व्यूअर्स के साथ ऐसा हो चुका है कि उनके पास उनका प्रोडक्ट नहीं पहुँचा है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने चेक करने के लिए बस इसको ओपन किया था। अब बाकी की जो ओपनिंग है वो आपके सामने होगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे ही मैंने इस बॉक्स को मैं ओपन करूँगा तो इस तरीके से पैकिंग में आपको ये हॉट 10 प्ले आपको मिलेगा और ये ग्रीन कलर का बॉक्स है। इस बॉक्स को मैं बाहर करता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले जो मिलेगा वो मिलेगा आपको बिल। तो दोस्तों ये जो बिल है ऊपर स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं वहाँ पे डाल दूँगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद ये इस तरीके से पैक होकर हमारा इन्फिनिक्स का बॉक्स आता है। दोस्तों काफ़ी अच्छा ये बॉक्स पैकिंग है, मुझे बॉक्स काफ़ी अच्छा लगा देखने में और बॉक्स ये काफ़ी बड़ा भी है और काफ़ी हैवी भी लग रहा है। अब देखते हैं इसके अंदर क्या कंटेंट होने वाला है। और दोस्तों बॉक्स को ओपन करने से पहले मैं बता दूं कि इस बॉक्स पे आपको क्या क्या यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सामने ब्रांडिंग की हुई है मीडिया टेक हीलियो G35। इसमें जो प्रोसेसर दिया हुआ है वो मीडिया टेक का G35 प्रोसेसर आपको दिया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे और दिया हुआ है 4 GB और 64 GB, यानी 4 GB और 64 GB इसकी मेमोरी होने वाली है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं और बाकी सारी चीज़ें देखते हैं। यहाँ पे आपको 4 GB और 64 GB देखने को मिलेगा। अगर बॉक्स के पीछे बात करें दोस्तों तो यहाँ पे बॉक्स के पीछे मिलेगा आपको सबसे पहले यहाँ पे बैटरी मेंशन की गई है 6000 mAh की। फिर इसके बाद आपको डिस्प्ले मेंशन की है 6.82 HD सिनेमा वाली डिस्प्ले है। प्रोसेसर मीडियाटेक का G35 पहले ही आपको बता चुके हैं। इसके बाद 8 MP इसका सेल्फी कैमरा है और 13 MP इसका जो है रियर कैमरा है जो कि डुअल सेटअप के साथ आता है। और यहाँ पे बात करें तो फेस अनलॉक भी है, फिंगरप्रिंट भी है और साथ ही साथ ये XOS 7.0 के साथ आता है और यहाँ पे मेड इन इंडिया की जो आपको ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों बॉक्स को ओपन करते हैं, सील को करते हैं ब्रेक। तो उठाते हैं हम अपना रामपुरी और करते हैं इसको ब्रेक। दोस्तों बड़े ही आराम से कीजिएगा, आप मेरी तरह मत कीजिए नहीं तो बॉक्स के साथ साथ आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो जा सकता है। दोस्तों क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से हम मस्ती करते रहते हैं, आपको इस तरीके से किसी भी तरीके से अपने फ़ोन के साथ ऐसी काम नहीं करना है, नहीं तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि आपका फ़ोन जो है वो ख़राब भी हो सकता है। तो दोस्तों करते हैं सील को ब्रेक। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये आपको मैं दिखा देता हूँ, सील पैक है पूरा। सील को करते हैं ब्रेक। दोस्तों यहाँ पे सील ओपन करने के लिए इन्होंने कुछ दिया हुआ है जिससे आप बहुत ही आसानी से सील को ओपन कर सकते हैं। और ये दोस्तों मैंने सील को किया है ब्रेक और ये दोस्तों सील जो है वो ब्रेक हो गई है। ओपन करते हैं अब फ़ोन को। तो दोस्तों ये रहा चमचमाता हुआ आपका फ़ोन। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ दोस्तों बॉक्स में आपको मिलेगा एक स्मार्टफोन जो काफ़ी अच्छा, काफ़ी टॉल है। यहाँ पे देखिए दोस्तों मेरे जो हैंड है, देखिए मेरे हैंड से काफ़ी बड़ा है, आपको दिख रहा होगा ये काफ़ी टॉल सा फ़ोन है। ओवरऑल इसकी डिस्प्ले बड़ी है तो फ़ोन तो लंबा होगा ही। फ़िलहाल मैं फ़ोन को रखते हैं साइड में और बात करते हैं बॉक्स कंटेंट की। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको मिलेगा एक चार्जर। और दोस्तों ये जो चार्जर है ये 2 एम्पियर का चार्जर है, यानी ये फास्ट चार्जर नहीं है, आपको एक सिंपल सा चार्जर है। और आपको जो ये केबल मिलेगी ये USB केबल है, USB टाइप सी नहीं है। यहाँ पे हो सकता था बेटर काम कर सकते थे, USB टाइप सी केबल दे सकते थे यहाँ पे।
और दोस्तों यहाँ पे ये है कुछ पुस्तकें, यहाँ पे सिम इजेक्टर टूल देखिए दोस्तों, यहाँ पे अलग से पैक होके आता है इसमें इस तरीके से, और ये कुछ पुस्तकें हैं। बचपन में तो कभी पढ़ी नहीं पुस्तकें, तो अब क्या पढ़ेंगे, इन पुस्तकों को करते हैं साइड में और मैं सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। और दोस्तों यहाँ पे एक और प्लस पॉइंट है, आपको यहाँ पे स्क्रैच गार्ड यानी स्क्रीन गार्ड आपको मिलेगा इनबिल्ट बॉक्स में, और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे बॉक्स में आपको एक कवर भी मिलेगा जो कि प्लास्टिक का है। कुछ खास क्वालिटी मुझे नहीं लगी, लेकिन ओवरऑल ठीक है, ये कवर होना ज़रूरी है क्योंकि ये फ़ोन को काफ़ी ज़्यादा सेफ रखता है। चलिए दोस्तों इन सबको करते हैं साइड में और बात करते हैं मेन फ़ोन की। तो सबसे पहले दोस्तों इसके जो हम इसको रैपर को है इसको करते हैं हम यहाँ से रिमूव, और दोस्तों जैसे ही हमने रैपर को रिमूव किया दोस्तों, मुझे रैपर निकालने में बहुत ही मज़ा आता है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और ये बैक साइड में भी लगा हुआ है तो इसको मैं अभी रिमूव नहीं करूँगा दोस्तों, इसको मैं बाद में रिमूव करूँगा। फ़िलहाल मैं इसको करते हैं फ़ोन को बूट। तो दोस्तों जब तक फ़ोन हो रहा है बूट तब तक आप फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दीजिए, और यदि आप हमारी टेक्निकल आर्मी से जुड़ना चाहते हैं और इसी तरीके से टेक्नोलॉजी से भरी हुई वीडियो साथ ही साथ अनबॉक्सिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। दोस्तों हो गया है फाइनली ये बूट, अब इसको हम कुछ सेटिंग्स कर लेते हैं। फाइनली दोस्तों स्मार्टफोन हो गया है बूट। अगर बात करें इसके दोस्तों ओवरव्यू की, तो दोस्तों यहाँ पे आपको इसके लेफ्ट साइड में मिलेगा यहाँ पे सिम इजेक्टर टूल, और सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं दोस्तों कि इसके अंदर जो सिम है वो आपकी हाइब्रिड होने वाली है या फिर आप इसमें मेमोरी कार्ड यूज़ कर सकते हैं दोनों सिम के साथ। तो सबसे पहले इसी की टेस्टिंग कर ली जाए, तो दोस्तों यहाँ पे मैं सिम को करता हूँ ओपन। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे आप अपनी दोनों सिम यूज़ कर सकते हैं और दोनों सिम के साथ माइक्रो एसडी कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी, इन्फिनिक्स इस मामले में काफ़ी अच्छा काम करता है। और साथ ही साथ दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा तो सिम इजेक्टर टूल में एक रबड़ की यहाँ पर ग्रिप दी हुई है जिससे कि यहाँ पर इसमें पानी ना जाए, यानी आपका कुछ हद तक ये पानी को क्या कर सकता है, रोक सकता है। और इसको मैं वापस पुटअप करता हूँ, तो ये दोस्तों लेफ़्ट साइड का पूरा आपका क्लीन हिस्सा है, यहाँ पे सिर्फ आपको सिम इजेक्टर टूल देगा। अगर दोस्तों यहाँ के ऊपर की बात करें तो ऊपर साइड इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है। अगर इसके राइट साइड की बात करें दोस्तों, तो राइट साइड में आपको वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन बटन दिया हुआ है, साथ ही साथ आपको पावर लॉक अनलॉक बटन भी दिया हुआ है, और बाकी का पूरा क्लीन है। अगर दोस्तों डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड आपको सबसे पहले तो आपका नन्ना सा प्यारा सा मिलता है आपको हेडफोन जैक के लिए 3.5 mm जैक, और साथ ही साथ मिलता है आपको USB चार्जिंग केबल के लिए, और यहाँ पे मिलेगा आपको एक माइक्रोफोन दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे इसमें जो स्पीकर है वो आपको यहीं ऊपर दिया हुआ है, स्पीकर इसमें अलग से नीचे नहीं दिया हुआ। अब देखते हैं कि किस तरीके से एक्सपीरियंस होने वाला है। मैं दोस्तों यदि इसके UI की बात करें तो काफ़ी क्लीन UI है, किसी भी तरीके से आपको लैग देखने को फ़िलहाल में तो नहीं मिलेगा, या कुछ परमिशन वगैरह मांग रहा है जो कि आपको यहाँ देना पड़ेगी। यहाँ पे ये रहा फ़ोन का पूरा अंदर ओवरव्यू, किस तरीके से आपको बात करते हैं इस स्मार्टफोन की कुछ अच्छी चीज़ें और कुछ बुरी चीज़ें। दोस्तों सबसे पहले हम सभी को इसकी अच्छाइयाँ देख लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बुराइयाँ सुनने के लिए आप सभी बैठे हुए हैं, तो बुराइयाँ मैं इसकी बाद में कहूँगा, क्योंकि दोस्तों कोई भी स्मार्टफोन होता है वो कुछ चीज़ों में अच्छा होता है और कुछ चीज़ों में बुरा होता है, यानी कुछ चीज़ें उसमें अच्छी नहीं होती है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले की बात करूं तो दोस्तों डिस्प्ले की साइज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। डिस्प्ले काफ़ी टॉल फ़ोन है, काफ़ी लंबा फ़ोन है, मगर दोस्तों मैं यहां पे कह दूं कि ये जो डिस्प्ले है मुझे उतना अच्छा नहीं लगा है जितना अच्छा मैं सोच रहा था, क्योंकि दोस्तों इसकी डिस्प्ले जो है काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी नहीं है, यानी अगर मैं इसको और इसके कंपैरिजन में और अदर स्मार्टफोन से मैं कंपेयर करूं तो डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी डाउनग्रेड, यानी 19-20 का फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर आपके लिए डिस्प्ले इशू नहीं है तो फ़ोन आपके लिए काफ़ी अच्छा है। दूसरी चीज़ दोस्तों मैं बात करूँ इसके लुक के बारे में, तो इसका लुक काफ़ी मुझे अच्छा लगा। अब दोस्तों अगर कैमरा सैंपल की बात करूँ तो सबसे पहले मैं रियर कैमरा सैंपल की बात करता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पर आपको रियर कैमरा के सैंपल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ये सबसे पहले इसके जो 13-13 मेगापिक्सल का कैमरा है, इसका इनडोर कंडीशन की फ़ोटो है,
और दोस्तों ये जो है इंडोर कंडीशन में मैंने HDR का प्रयोग किया है। और दोस्तों ये जो नेक्स्ट फोटो आपको दिखाई दे रही है ये 13 मेगापिक्सल से आपको आउटडोर कंडीशन की फ़ोटो यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब दोस्तों बात करें सेल्फी कैमरा की, तो दोस्तों ये जो सेल्फी कैमरा की पिक है ये आपको इंडोर लाइट कंडीशन में है, और ये दोस्तों ये जो फ़ोटो है ये है आपकी आउटडोर कंडीशन में यहाँ पे दिख रही है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं दोनों की आपकी कंपैरिजन फ़ोटो में मैं दिखा रहा हूँ कि इंडोर लाइटिंग में और आउटडोर लाइटिंग में किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये जो है ये 13 मेगापिक्सल कैमरा की इंडोर और आउटडोर दोनों कंडीशन की फ़ोटो आपके सामने दिख रही है। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो फ़ोटो है ये फ्रंट कैमरा की है जो इंडोर और आउटडोर दोनों में ही आपको यहाँ पे सामने एक साथ दिखाई दे रही है। तो दोस्तों कैसे है कैमरा सैंपल, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। मैं कैमरा से बिल्कुल भी किसी भी तरीके से परेशान नहीं हूँ, मुझे कैमरा ओवरऑल काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी बढ़िया लगा। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं तो इसकी वीडियो क्वालिटी की, तो देखिए ये आपके सामने कुछ वीडियो सैंपल हैं, आउटडोर कंडीशन के वीडियो सैंपल हैं, क्योंकि ओवरऑल वीडियो का जो एक्सपीरियंस है वो लाइटिंग के ऊपर डिपेंड करता है। मैं इंडोर की बात नहीं करूंगा क्योंकि कैमरा इतना अच्छा नहीं है कि आप इंडोर लाइट में इसको अच्छे से वर्क कर पाए। तो ओवरऑल इंडोर कंडीशन में इसका जो वीडियो सैंपल है वो ख़राब होने वाला ही है। तो यहाँ पर मैंने आउटडोर कंडीशन के कुछ सैंपल मैंने कलेक्ट किए हैं, तो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से इसका आउटडोर सैम्पलिंग है। तो दोस्तों ये है फ्रंट कैमरा से बनी हुई वीडियो जिसका स्टेबलाइजेशन काफ़ी अच्छा है, कलर भी काफ़ी ठीक है, मतलब वीडियो काफ़ी अच्छी आ रही है, इतनी बुरी वीडियो नहीं है जितना कि आप सोच रहे होंगे। ओवरऑल मुझे कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी, कैमरा में जो कलर है वो काफ़ी ठीक है, आपको जैसी फ़ोटो चाहिए वैसी फ़ोटो बहुत अच्छे से दे देता है ये। तो दोस्तों कैमरा से मैं बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं हूँ, कैमरा मुझे ठीक लगा, ओके है, आप एकदम अच्छा नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ यहाँ पर कैमरा काफ़ी अच्छा है, कैमरे में काफ़ी ठीक वर्क किया है। अब दोस्तों बात करें इसकी बैटरी लाइफ की, जो कि यहाँ पे इन्होंने क्लेम की है, तो दोस्तों यहाँ पे इस स्मार्टफोन की जो बैटरी लाइफ है वो बहुत ही तगड़ी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों 6000 mAh की बैटरी दी है। और ये देखिए 6000 mAh की बैटरी होने के बाद भी आप देखिए इस फ़ोन की आप मोटाई देखिए, इस फ़ोन की मोटाई बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, यानी काफ़ी स्लिम फ़ोन है, लेकिन ये दोस्तों यहाँ पर लंबा फ़ोन है, देखिए आप काफ़ी ज़्यादा लंबा फ़ोन है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों अगर इसकी बात करें बैटरी की, तो बैटरी इसकी 6000 mAh है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अब दोस्तों इसकी जो बाकी इंटरनल चीज़ें हैं, इसका परफॉर्मेंस हो गया और इसकी बाकी चीज़ें कैसी इसकी पावर होने वाली है, रैम मैनेजमेंट किस तरीके से है, तो दोस्तों ये सब मैं आपको एक हफ्ते बाद इसका फुल रिव्यू लेके आऊँगा, मैं उसमें आपको बताऊँगा कि आखिर ओवरऑल इसका एक्सपीरियंस एक हफ्ते में कैसा रहा। मैं इसको एज अ प्राइमरी फ़ोन की तरह मैं यूज़ करूँगा और मैं बताऊँगा कि आखिरकार इसका एक्सपीरियंस आपको किस तरीके से रहेगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी अनबॉक्सिंग और कैसा लगा आपको ये स्मार्टफोन, नीचे कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। और यदि स्मार्टफोन को लेके आपका कोई सवाल होता है तो वो भी आप हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ दोस्तों यदि आप हमारी टेक्निकल आर्मी से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके से आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो लाता रहता हूँ। तो जय हिंद, थैंक यू और खुश रहिए।